दोस्तों, अगर आप अपनी वीडियोस के अंदर म्यूजिक यूज करना चाहते हो, साउंड इफेक्ट्स को यूज करना चाहते हो और आप ढूंढ रहे हो कहां पे जो है आपको फ्री कॉपीराइट म्यूजिक मिलेगा, तो यहां पे यूट्यूब आपको प्रोवाइड करवाता है फ्री कॉपीराइट म्यूजिक और फ्री कॉपीराइट साउंड इफेक्ट्स जिनको आप अपनी वीडियोस के अंदर यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे YouTube स्टूडियो के अंदर आपको YouTube लाइब्रेरी की ऑप्शन मिल जाती है। यहाँ पे कौन कौन से फीचर, कौन कौन सी ऑप्शंस आपको मिलती है YouTube लाइब्रेरी के अंदर, कैसे आप म्यूजिक को डाउनलोड करोगे, तो इसी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं आपको देने वाला हूँ। YouTube लाइब्रेरी को कैसे आप यूज करोगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए, बिल्कुल भी इस वीडियो को कहीं पे भी स्किप ना करें। और अगर आप ऐसी रेगुलर वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, इससे जो है आपको मेरी सभी आने वाली वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। पर्सनली आप इससे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो इंस्टाग्राम और ट्विटर के ऊपर मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल फोन के ऊपर और यूट्यूब स्टूडियो को मैंने डेस्कटॉप मोड के अंदर ओपन कर लिया है। यूट्यूब लाइब्रेरी को आप यूज करना चाहते हो, फ्री कॉपीराइट म्यूजिक डाउनलोड करना चाहते हो, तो आपको डेस्कटॉप मोड के ऊपर ही आना है और यूट्यूब स्टूडियो को आपको ओपन कर लेना है। और यहाँ पे जो है आपको सबसे नीचे ऑप्शन देखने को मिल जाएगी लेफ्ट साइड के अंदर लाइब्रेरी की, इसके ऊपर अगर आप डायरेक्ट क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये न्यू टैब के अंदर ओपन होगा। लेकिन अगर आप मोबाइल फोन के अंदर यूज कर रहे हैं तो जो आपको प्रॉब्लम आ सकती है, अगर आपको YouTube स्टूडियो का अपडेट नहीं मिला है तो आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये सबसे पहले आपको YouTube एप्लीकेशन के ऊपर लेकर जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है आपको ब्राउज़र सेट करना पड़ेगा, सेट करने के बाद उस ब्राउज़र के ऊपर ये ओपन करेगा YouTube लाइब्रेरी को। अगर आपके पास डेस्कटॉप मोड होगा तो डायरेक्ट नेक्स्ट ऐप के अंदर ओपन हो जाएगा, कंप्यूटर के ऊपर आपको ये सारा प्रोसेस नहीं सहन करना पड़ेगा, वहाँ पे डायरेक्ट नेक्स्ट ऐप के अंदर यही ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे YouTube लाइब्रेरी के अंदर जो है आपको बहुत सारे म्यूजिक देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले ऊपर आपको दो ऑप्शन मिल जाती है, फ्री म्यूजिक और साउंड इफेक्ट। अगर आप किसी भी तरह का साउंड इफेक्ट यूज करना चाहते हो अपनी वीडियो के अंदर, वो यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले जो है आपको प्ले करने की ऑप्शन मिलती है, यहाँ पे आप पहले प्ले करके सुन सकते हो म्यूजिक कैसा है, साउंड इफेक्ट कैसा है। उसके बाद टाइटल यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, उसके बाद ड्यूरेशन कितनी है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, उसके बाद यहाँ पे जो है किस तरीके का साउंड है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, और डाउनलोड की ऑप्शन आपको डायरेक्ट वन क्लिक के अंदर मिलती है। उसके बाद सर्च करके आप देखना चाहते हो तो वो भी यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रही है, कैटेगरी की ऑप्शन दी गई है, आप किस कैटेगरी का साउंड इफेक्ट डाउनलोड करना चाहते हो वो यहाँ पे आप चूज कर सकते हो। फ्री म्यूजिक के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी ऑप्शन देखने को मिलती है, जहाँ पे जो है सबसे पहले तो आपको प्ले की ऑप्शन देखने को मिलती है, ट्रैक का नाम क्या है वो यहाँ पे देखने को मिलता है, अगर ट्रैक बिल्कुल न्यू है तो यहाँ पे आगे आपको न्यू भी देखने को मिल जाएगा, उसके बाद टाइमिंग और किसने इसको कंपोज किया है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद किस कैटेगरी का म्यूजिक है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और डाउनलोड की ऑप्शन, सर्च की ऑप्शन भी यहाँ पे आपको मिलती है। उसके बाद यहाँ पे जो है आपको सबसे पहले ऑप्शन मिलती है गैनरे की, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है आपको किस टाइप का म्यूजिक चाहिए वो यहाँ पे आप सेट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे सिनेमैटिक भी है, चिल्ड्रंस के टाइप का भी है, क्लासिकल भी है, तो यहाँ पे बहुत तरह के म्यूजिक आपको मिल जाएंगे जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद मूड भी आपको यहाँ पे दिया गया है, किस मूड का म्यूजिक आप डाउनलोड करना चाहते हो वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो, इंस्ट्रूमेंट कौन सा होना चाहिए वो यहाँ पे आप सेट कर सकते हो, ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए, एट्रीब्यूशन मतलब जो लाइसेंस होता है वो भी यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। तो ये सारी ऑप्शन जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। अब यहाँ पे कुछ केसेस के अंदर क्या होता है कि जो कंपोजर होता है जिसने म्यूजिक को क्रिएट किया होता है वो अपना क्रेडिट चाहता है आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो यहाँ पे जो है नीचे उसके लिखा हुआ आ जाता है कि आपको इसको क्रेडिट भी देना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो वो इनमें से किसी के अंदर नहीं है। लेकिन अगर एट्रिब्यूशन के ऊपर चला गया और एट्रिब्यूशन रिक्वायर्ड इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे जो है आपको वही वीडियोस देखने को मिलेंगी जिनके अंदर जो है आपको एट्रिब्यूट देना पड़ेगा, लिंक देना पड़ेगा जिसका भी आप सॉन्ग यूज़ कर रहे हो। जैसे कि यहाँ पे ये आपको मैन वाला लोगो देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो है आपको ये पूरा जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है ये अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाला जो पूरा हिस्सा है जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये आपको पूरा का पूरा अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर सिलेक्ट करना पड़ेगा अगर आपको आगे कुछ इस तरीके का लोगो देखने को मिलता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ चुका है आप YouTube लाइब्रेरी से कैसे कोई भी म्यूजिक इंस्टॉल करोगे। अगर आपका इससे रिलेटेड या फिर YouTube के बारे में कुछ और आप जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे जरूर से बताइए।
आज की इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, इससे जो है आपको मेरी सभी आने वाली वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। पर्सनली आप मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो इंस्टाग्राम और ट्विटर के ऊपर मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है।